good morning students good morning everyone this is dr anurag singh i welcome you on board to the present session of daily current affairs express on india's largest online learning platform that is unacademy unacademy ke youtube channel let's crack upsc cse we students we're going to see some crucial current affairs published in various newspapers across the country today so this is dr anurag a passionate upsc mentor and expert in the field for the past one decade in offline mentoring past one and a half years in online mentoring upon unacademy

those who want to go for the subscription go for it now because there is a new offer running at present 18 months combo pack offer so gs and uh, optional ka plus and iconic pack pay abhi 22% off mil rahe, extra plus 10% off using my name as the code that is anurag and you can see the prices decrease prices and you can go for it now and uh, <laughs>

आज अभी शेड्यूल मैं कर दूंगा आज शाम को पक्के से सिक्स थर्टी पे सेशन रहेगा एक सी सेट का आप रेडी रहिएगा उसके लिए एंड uh, चलिए आगे बढ़ चलते हैं स्टूडेंट्स दिस डेली करंट अफेयर्स एक्सप्रेस सात फरवरी दो हजार बाईस इंटरलिंक अप्रोच थ्री सिक्सटी डिग्री अप्रोच दीज बोथ दीज मेथड्स वी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ स्टडिंग ऑफ करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स मीन्स uh, एक अगर आप देखिएगा तो ऐसे भी बिना uh, किसी रिलिवेंसी के पढ़ा जा सकता है बट इफ वी नो वाई अ पर्टिकुलर न्यूज इज इंपॉर्टेंट और यही नो हाउ हमें मिलता है इन दो अप्रोचेस से सो डी कोड का अप्रोच इज फॉर द मेन्स डी कोड द न्यूज एंड इंटरलिंग वेरियस पार्ट ऑफ जीएसलेबस एंड ऑप्शनल सिलेबस तो जी एस पेपर वन टू थ्री फोर मेन्स का सिलेबस निकाल लीजिए एंड साथ में स्टूडेंट थ्री सिक्सटी डिग्री अप्रोच इज फॉर द द बैकग्राउंड ऑफ द न्यूज हमें तलाशना है खंगालना है ताकि हम एक होलिस्टिक कवरेज ले सके उस न्यूज का तो चलिए लेट्स प्रोसीड हेट एटल निकालिए स्टूडेंट्स जीएस पेपर वन टू थ्री फोर मेन्स का सिलेबस निकालिए न्यूज नोटबुक निकालिए तीन चार कलर के पेन निकालिए लेट्स टेक ऑफ इन टूडे सेशन सो टूडे सेशन सबसे पहले मॉडर्न यस लेट मी टेल यू कल साइंस एंड टेक के दो तीन न्यूज रह गए थे आई बी कवरिंग इट टमोरो फॉर श्योर ठीक है कल के यानी संडे के दो न्यूज़ साइंस एंड टेक के रह गए दोनों न्यूज कल मैं कवर करूंगा ट्यूजडे को इसलिए क्योंकि आज न्यूज़ ज़्यादा हो गया है टूडे सेवन फरवरी बहुत न्यूज आए हैं आज इनफैक्ट आज न्यूज से भरा हुआ है पूरे सारे न्यूज़ तो लेट्स प्रोसीड एट जी एस पेपर वन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंशंट एंड मेडिकल हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर लेट्स प्रोसीड एट इसमें क्या न्यूज है सेंटर टू ट्वीक नो बिल्ड जोन अराउंड मॉन्यूमेंट्स साइट स्पेसिफिक लिमिट्स लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस्ड पोस्ट अमेंडमेंट्स ओके तो एक ट्विकिंग का मतलब होता है मॉडिफाई करना अमेंड करना तो सेंटर मॉडिफाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट मॉडिफाई करेगी नो बिल्ड जोन अराउंड मॉन्यूमेंट तो क्या मोन्यूमेंट्स एंड जितने कल्चरल हेरिटेज साइट है क्या उन लोगों के आसपास कुछ रेस्ट्रिक्शन है बिल्डिंग यानी कुछ बनाने पर yes. uh, so यस है लुक है लुक द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स तो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स ध्यान दीजिएगा ये एक्ट है एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड

नो बिल्ड जोन सौ मीटर के दायरे में अराउंड द प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स एंड अगर कोई रेगुलेटेड एरिया है कोई कल्चरल साइट है रेगुलेटेड एरिया है पूरा जोन ही रेगुलेटेड है वहां पर तीन सौ मीटर का नो कंस्ट्रक्शन जोन नो बिल्ड जोन था ये देखिए आई रिपीट इफ देर इज ए सिंगल मॉन्यूमेंट कोई एक सिंगल मॉन्यूमेंट है ठीक है कहीं पे कोई फोर्ट है कहीं पे कुछ दिस टूम्ब है कल्चरल साइट है उस जगह पे सौ मीटर के दायरे में नो बिल्ड जोन था जबकि ठीक है ध्यान दीजिएगा जबकि यानी कि एंड इन दिस इन अ होल कॉम्प्लेक्स कल्चरल साइट कॉम्प्लेक्स लाइक ताजमहल इट वॉज अ थ्री हंड्रेड मीटर नो बिल्ड जोन ये 2010 में अमेंडमेंट्स पास किए गए 100 मीटर और 300 मीटर का नो बिल्ड जोन था इसी को ट्वीक करना है चेंज करना है चेंज करना है क्यों ध्यान दीजिएगा रिपोर्ट ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑन ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर नोटेड दैट नोटेड दैट द पैनल है ऑब्जर्वेशन मेड बाय द एक्सपर्ट दैट द टू थाउजेंड टेन अमेन्डमेंट वॉज ब्रॉट अबाउट विदाउट एनी इनपुट फ्रॉम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इसको चेंज करके अब क्या किया जाएगा साइट स्पेसिफिक साइट स्पेसिफिक केस बाय केस बेसिस पर कहीं पे 300 मीटर कहीं पे 50 मीटर कहीं पे 10 मीटर नो बिल्ड जोन रहेगा बात समझ में आ रही है टेल मी स्टूडेंट्स ये देखिए साइट स्पेसिफिक लिमिट्स लाइकली लेट टू बी इंट्रोड्यूसड पोस्ट अमेंडमेंट्स सो इट विल मेक मीन्स एवरी मॉन्यूमेंट विल हैव नो बिल्ड जोन डिपेंडिंग अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ द मॉन्यूमेंट डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपेंडिंग अपॉन द रीजन अब आप कहेगा सर यह अच्छा है या खराब अच्छा भी हो सकता है और इसके खराब भी असर आ सकते हैं अच्छा है इसलिए हो सकता है दैट इट माइट भी दैट दिस थ्री हंड्रेड मीटर्स एंड हंड्रेड मीटर्स माइट बी लेस अगर थ्री हंड्रेड मीटर्स माइट भी लेस एज फॉर अ बिग बिग कॉम्प्लेक्स लेकिन खराब भी हो सकता है सौ मीटर के दायरे की जगह पर केवल दस मीटर का दायरा बनाया जाएगा और बाकी जगह बिल्डिंग्स आ जाएंगी तो दिक्कत हो सकती है बात समझ में आ रही है स्टूडेंट सो दिस कैन बी टेकन इन अ मीन्स एडवांटेज भी हो सकता है 300 मीटर को बढ़ाकर uh, 500 मीटर कर दिया जाए दिस ताज टपीजियम जोन के आसपास का बेल्ट लेकिन यह भी हो सकता है 100 मीटर को कम करके एक ही मीटर कर दिया जाए भाई डिपेंड्स सो बोथ बोथ कैन बी डन एंड इट विल डिपेंड अपॉन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रेगुलेशंस नो बिल्ड जोन कितने दायरे में रहेगा लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर इफ वी हैव टू सेव द कल्चरल साइट्स एंड द हेरिटेज साइट्स वी हैव टू एंश्योर दैट देयर इज अ नो बिल्ड जोन अराउंड देम आई होप यू एग्री विद मी मी टेल द चैट बॉक्स ठीक है देयर शुड बी अ नो बिल्ड जोन अब नो बिल्ड जोन का मतलब क्या होता है क्यों ये जोन बनाया जाता है मीन की इसमें कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं होगा विल दिस कॉज पॉल्यूशन विल दिस इंपैक्ट द विल दिस इम्पैक्ट द ancient हेरिटेज साइट यस आप मैं सिंपल आपको एक बात कह रहा हूँ। आप जब नई बिल्डिंग बना रहे हैं कहीं छोट सिंगल बिल्डिंग बना रहे हैं वहाँ पे और अगर रॉक्स आप रॉक्स आप तोड़ रहे हैं न्यू डालने के लिए बेस डालने के लिए यू गो फॉर माइन्यूट एक्सप्लोजन इन दैट रीजन क्या इसका असर पड़ेगा ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन पे जो वो हेरिटेज साइट में किया हुआ यस yes. मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पर कोट कर रहा हूं सो दिस इज दिस इज द प्रॉब्लम आउट है ठीक है सेकेंड पॉइंट अगर आपने कंस्ट्रक्शन किया तो वहां से ट्रांसपोर्ट चालू होगा ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है सल्फर डाइ ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड विध बीटेड हैपन अराउंड ताजमहल और क्या उसका असर पड़ेगा मार्बल के ऊपर टार्निशिंग द मार्बल इथ द ट्रीजन यस yes, ये देखिए सो दिस दिस इज वाई द नो जोन नो बिल्ड जोन इज क्रिएटेड एट अराउंडी एरिया एंड दिस इज नॉट ओनली Uh, ये 2010 में जो अमेंडमेंट्स लाए गए थे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कमीशन यस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का टैग देता है और वहां पर भी ये एक्ट का ये एक्ट मैंशन है उसके रजिस्टर्स uh, में ये देखिए इंडिया हैज पास दिस एक्ट दैट इट अबाउट दिस इस न्यूज को कहां लिंक किया जाए कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन यू कैन लिंक दिस आर्ट लिंक दिस एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट ये एक्ट इनफैक्ट दो हजार सत्रह से न्यूज में चल रहा है ट्वीट करने के लिए मॉडिफाई करने के लिए और आपको समझ में आ गया होगा दैट इसके फायदे भी हो सकते हैं घाटे भी हो सकते हैं मॉडिफाई करने के बाद चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स ये पहला न्यूज सेकंड ये देखिए एंशंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइटेंडीड्यूस इन लोकसभा पब्लिक वर्क्स वहां पे हो पाएंगे कि नहीं ठीक है uh, का मतलब क्या है प्रोहिबिटेड एरियाज तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आएंगे uh, लता मंगेशकर के uh, को स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा है ठीक है तो विल कम टू दिस कॉन्सेप्ट एट द लास्ट ठीक है नेशन मोन्स इट्स नाइटिंगल लता मोर्निंग एंडरल तो स्टेट फ्यूनरल का मतलब क्या था विल बी टेकिंग इट अप एट द लास्ट आइए देखते हैं आगे बढ़ते हैं पहले जीएस पेपर टू थ्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी से एक न्यूज है स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट टू वे बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एंड जुडिशियल सिक्योरिटी ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा डिस्कशन का पैग्यास जो स्पाइवियर था उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस गया था एंड पे सुप्रीम कोर्ट ने एक वॉर्डिक दिया वर्डिक वॉज वट वॉज द वर्डिक वॉर्डिक्स सी ठीक है द सुप्रीम कोर्ट वेड इट द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट पैगासर हैज बीन यूज व्हाट इज योर व्यू अबाउट इट सेंटर टोल्ड दैट दर इज समथिंग कॉल्ड एज नेशनल सिक्योरिटी ये देखिए देर इज समथिंग कॉल्ड एज नेशनल सिक्योरिटी एंड वेन द नेशनल सिक्योरिटी इज इन्वॉल्व When national security is involved, the center or the state government means the state. जो article 12 में दिया हुआ, they can take some steps. आ गया ठीक है. Judiciary ने कहा बिल्कुल ठीक है. जब national security involved होगी, आपको याद होगा ये three four months back का ये scenario था. This concept came up. तो Supreme सु, Court ने कहा ठीक है भाई क्या दिक्कत है? Uh, means I accepted that national security you can take up steps, but it doesn't mean जुडिशियल रिव्यू नहीं पॉसिबल है आपके इन एक्ट का इसका यह मतलब नहीं कि जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होगा मैं स्क्रूटनी करूंगा जरूर और मैं कमिटी बैठा रहा हूं पैग में क्या कमिटी बैठाया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टलमी स्टूडेंट ये देखिए सो बिकॉज द इश्यू केम अपट वेदर द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट आर इंपोर्टेंट और द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ नेशन सिक्योरिटी इंपोर्टेंट लेट सी लेट सी आउट है आर्टिकल 19 के लिए मीन ये पढ़ने के लिए जानने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है है आर्टिकल आर्टिकल 19 19 देखना लेट्स सी इज अबाउट राइट टू फ्रीडम्स ठीक है? भी पता होगा फंडामेंटल राइट्स में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू फ्रीडम फ्रीडम है ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल नाइनटीन वन ए लेकिन ये कोई भी फ्रीडम्स ठीक है आजादी यहां पे इट्स नॉट एब्सोल्यूट नॉट एब्सोल्यूट इट्स जस्ट क्वालिफाइड सुना है आपने इट्स ओनली क्वालिफाइड

रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन ओवर राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स टू मिनट्स ठीक है ऐसे ही करके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं आर्टिकल नाइनटीन टू में इसका दिया हुआ है आर्टिकल नाइनटीन थ्री ऐसे करके दिया हुआ है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मीनस रुकावट आपके बोलने पर रीजनेबल मीन्स एक्सेस में नहीं है ठीक है इसका साफ मतलब है आप बोल सकते हैं आप असेंबल कर सकते हैं पीसफुली आप यूनियन बना सकते हैं आप एसोसिएशन बना सकते हैं यू कैन मूव फ्रीली येट फ्री आर सम दे शुड बी रीजनेबल तो इसी रीजनेबल लि रेस्ट्रिक्शन में लिखा हुआ मैक्सिमम मैक्सिम मैक्सिमम केसेस में लिखा हुआ है इट्स नेशनल सिक्योरिटी ये देखिए नेशनल सिक्योरिटी इज वन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन विच कैन बी इंपोज अपॉन योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच कैन बी इंपोज अपॉन वेन यू आर

एज अ ग्राउंड टू लिमिट जुडिशियल स्क्रूटनी है मीडिया वन टीवी चैनल केस बेयरली वीक्स आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स केस ऑर्डर ऑब्जर्व दैट सेंटर कैनोट एक्सपेक्ट अ फ्री पास सेंटर कैनॉट एक्सपेक्ट अ फ्री पास फ्रॉम द कोर्ट एज सुन एज इट रेजेंस द इंस्पेक्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी अगर यह शब्द इस्तेमाल कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी इसलिए मैं यह कर रहा हूं ठीक है तो इसका मतलब नहीं कि जुडिशियरी स्क्रूटनी नहीं करेगा यही पेगासस में हुआ था और यही फिर से कहने की बात हो रही है दैट जुडिशियल स्क्रूटनी विल बी any ऑफ एनी एक्ट ऑफ एनी एक्ट ऑफ योर यू आर द एग्जीक्यूटिव यू आर द लेजिस्लेचर बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर Indian ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डू यू एग्री in द चैट बॉक्स जुडिशियल रिव्यू वोडिजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू दैट क्या वो कानून लोगों के अधिकार फंडामेंटल राइट्स पे नेगेटिव असर पुटअप कर रहा है क्या और अगर ऐसा कोई कानून है तो स्क्रूटनी होगा आर्टिकल थर्टीन गिव्स द पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू द जुडिशरी आई होप यू एग्री ये देखिए जुडिशियल रिव्यू ऑफ ऑल द एक्ट ऑफ ऑल द एक्ट विच आर इंपैक्टिंग द फंडामेंटल राइट दैट्स इट तो यही यहां पे वापस ये केस मीडिया वन केस केरल का है वहां पे मीडिया वन टीवी चैनल केस ठीक है द गवर्नमेंट हैज साइटेड नेशनल सिक्योरिटी रीजंस इन केरल हाई कोर्ट फॉर कैंसलिंग द टेलीकास्टिंग परमिशन ऑफ द मलयालम न्यूज चैनल दैट इज मीडिया वन टीवी तो जुडिशरी नेशनल सिक्योरिटी वर्सेज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी सिंग नेशनल सिक्योरिटी ओके या अग्री यू कैन स्टॉप द फंडामेंटल राइट बट जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज कम अप इसलिए मैं रिव्यू करूंगा इन शॉर्ट यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है पैगास में भी और मीडिया वन टीवी चैनल के इसमें आ, एक कंफ्लिक्ट uh, किसके बीच में नेशनल सिक्योरिटी एंड वर्सेज वर्सेज जुडिशियल रेव्यू ये देखिए तो आप बताइए स्टूडेंट आपसे अगर इंटरव्यू में सवाल पूछा जाएगा दैट ऑन द प्रिटेक्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इफ सम फंडामेंटल राइट आर इन्फ्रिस्ड ठीक है अगर कुछ फंडामेंटल राइट आपके अधिकार को छीने जाते हैं ये कहकर नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो क्या उसको फ्री पास मिलना चाहिए कि उस पर कोई कुछ ना बोले या जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू शुड बी देयर मी इन द चैट बॉक्स बताइए मी डू यू एग्री शुड देयर बी अ पावर ऑफ रिव्यूइंग दैट एक्ट और नॉट और शुड फ्री पास बी गिवन रिव्यू करने का पावर रहना चाहिए स्टूडेंट्स पता है क्यों क्योंकि यही तो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है यही तो सेपरेशन ऑफ पावर्स डॉक्ट्रिन का कंसेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बिना एग्जीक्यूटिव ध्यान दीजिएगा या लेजिस्लेचर दे कैन बिकम डोमिनेटिंग इन द कंट्री देयर इज अ कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा इन इंडिया द गवर्नेंस इज ऑल अबाउट चेक्स एंड बैलेंसेस इंपोज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉन ईच वन ईच ऑफ द गवर्निंग बॉडीज दैट इज द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी शुड बी गिवन अ फ्री पास दैट इट किसी को फ्री पास देने की जरूरत ही नहीं है यहां पर यही कहा था ध्यान दीजिएगा नेशनल सिक्योरिटी कैनॉट बी द बगबेयर दैट द जुडिशरी शाइज अवे फ्रॉम कि भाई नेशनल सिक्योरिटी मैंशन कर दिया अब हम घर में जाकर बैठ जाएंगे हम जुडिशरी हम हम दिस जज हैं हमको नहीं बात करना इस पर क्यों नहीं बात करना यही जुडिशरी कह रहा है ठीक है सो इट्स नॉट अ बगबेयर दैट द जुडिशरी शाइज अवे फ्रॉम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मियर मैं Although this court should be circumspect in encroaching upon the domain of national security, हमें थोड़ा सोच के national security के domain को approach करना yet yet there cannot be a omnibus prohibition of a judicial review over these national security acts. बस यही यहाँ पे judiciary ने कहा है और यही एन वी रमन्ना जी ने कहा था 2021 अक्टूबर में पेगासस के ऊपर फिर से मीडिया में वही आ रहा है क्योंकि फिर से

तो इस इस केस uh, स्टडी को रखिएगा यहां लिखा हुआ है एनवी रमन्ना जी ने क्या कहा था हमारे सीजीआई साहब ने क्या कहा था ओवर दिस uh, ये देखिए इज इट क्लियर चलिए आगे बड़े स्टूडेंट दिस इज मेंस टॉपिक जुडिशियल रिव्यू पे कुछ भी आया मैंशन दिस फ्रीडम्स पे कुछ भी आया मैंशन दिस डोंट फॉरगेट इट एंड पेगा पे कुछ भी आएगा तो आपको मैंशन करना ही पड़ेगा Uh, let's proceed ahead, students, to the next international relations and institutions topic. Uh, first batch of workers stuck in Mali return home. They feel relieved. They had gone, uh, they came back in. Uh, they के केम बैक आफ्टर दिस after social media देखिए social media का इस्तेमाल करके इन लोगों ने कहा कि हम लोग माली अ, देश में we are stuck पैसे नहीं है पैसा नहीं दिया एम्प्लॉयर ने हमें वापस आना है यहाँ मिलिट्री कोप हुआ था कुछ याद है स्टूडेंट्स जन्म ये देखिए मिलिट्री कोप हुआ था माली में ठीक है हम लोग फंस गए हैं वर्कर्स हैं हम लोग यहाँ आए थे देवर वर्कर्स दिस Uh, they were unskilled workers from Jharkhand, had gone to work in Mali. The military group happened, and they, using the social media, requested the state government of Jharkhand and the central government to please help them. And taking note of their uh, request, the, the governments have ensured that the first batch of workers have returned back to India. अब आप कहिएगा सर ये बताइए इस न्यूज को कहां कहां लिंक कीजिएगा सबसे पहला पॉइंट देखिए सोशल मीडिया का बहुत सटीक इस्तेमाल करके ये लोग निकल लिए ठीक है सोशल मीडिया के एडवांटेजेस डोंट यू थिंक स्टूडेंट्स यू कैन मेंशन इट आउट हेयर केस स्टडी हैज कम अप ठीक है सेकंड पॉइंट डोंट यू एग्री दैट दिस दिस इंडियन डायस्पोरा फेसिंग प्रॉब्लम्स अब्रॉड इंडियन डायस्पोरा फेसिंग प्रॉब्लम्स अब्रॉड इंडियन डायस्पोरा बहुत समस्याएं फेस कर रहा है कजाकिस्तान में समस्या यूएई में समस्या माली में समस्या समस्या ही समस्या दिस कैन कम अप इन जीएस पेपर टू इंडियन डायस्पोरा अब्रॉड दैट्स इट एंड थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स माइग्रेशन माइग्रेटरी पैटर्न ये देखिए माइग्रेशन इंडियंस इन अफ्रीका डू यू एग्री इंडियंस इन अफ्रीका यू कैन दिस ये देखिए ये सब जगह पे ये एक सटीक न्यूज आपका एक नंबर बढ़ा देगा मेंस में अगर मेंशन कर दिया आपने आइए इसी पे आगे बढ़ते हैं इसी पे एक और न्यूज है ठीक है अफ्रीकन यूनियन की मीटिंग हुई है अफ्रीकन यूनियन कुछ सुना है आपने इसके बारे में सी अफ्रीकन यूनियन स्लैम्स वेव ऑफ कूप्स डॉजेस इजराइल वोट सो अफ्रीकन यूनियन हैज कंटेम्ड अ रिसेंट वेव ऑफ मिलिट्री कूप्स दैट हैज

इसकी मीटिंग हुई इसने कहा कि क्या चल क्या रहा है भाई हमारे अफ्रीका में सब जगह मिलिट्री हो खूबसूर है सब जगह सरकारें खत्म हो रही हैं मिलिट्री आके पावर कैप्चर कर रही है सो अफ्रीका इज इज इन डीप क्राइसिस डू यू एग्री अफ्रीका फेसिंग अ वेव ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अक्रॉस नेशन यू कैन सीट हेयर एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ब्रीड्स ब्रीड्स करप्शन डू यू एग्री करप्शन एंड फूड इन सिक्योरिटी ये देखिए ये सब क्रिटिकल वर्ड्स इसीलिए अफ्रीका समस्या झेल रहा है इस समय ये देखिए अब आप कहीं सर अफ्रीकन यूनियन इतना, इतना बहुत honest है क्या सब ठीक चल रहा है क्या नहीं अफ्रीकन यूनियन पे आरोप लगे हैं मैं बता दूं आपको हर जगह गवर्निंग बॉडीज पे आरोप लग रहे हैं अफ्रीकन यूनियन पे आरोप लगे हैं कि उसने एक देश जहां मिलिट्री को हुआ था चाद उसे सस्पेंड नहीं किया ये देखिए <laughs> स अफकोर्स अफ्रीका में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है जिसे करप्शन एंड फूड एंड राइज किया है इस कारण टेररिज्म भी राइज कर रहा है बिल्कुल सही बात चैट बॉक्स में आया वेरी गुड पॉइंट ये देखिए टेररिज्म इज राइजिंग इन अफ्रीका बिकॉज ऑफ दिस ओनली एंड अफ्रीकन यूनियन यू कैन से पार्शियल पार्शियलिटी बेस्ड अप्रोच दैट चाद को सस्पेंड नहीं किया बाकी को सस्पेंड कर दिया ठीक है देखिए यहां पर लिखा हुआ है चाद के ऊपर ये लास्ट ईयर लास्ट ईयर लास्ट अप्रैल की बात है चाद को सस्पेंड नहीं किया गया जबकि वहां मिलिट्री टेकओवर हुआ था व्हाई? वाई दैट इज अ क्वेश्चन दैट इज द क्रिटिसाइजर्स ऑफ अफ्रीकन यूनियन हैव कम अप ऑन बोर्ड आस्किंग अफ्रीकन यूनियन टू टू सस्पेंड चाद आल्सो। ये देखिए चाद कहां पे है आपको पता रहना चाहिए सुदान के जस्ट बगल में चाद कंट्री देखिए सो आप एक चीज बताइए स्टूडेंट्स क्या आपने देखा एक कॉमन पॉइंट इसमें जितने मिलिट्री कुप्स हुए सब के सब साहेल बेल्ट में हो रहे हैं या सहार, सहारा सहारा डेजर्ट बेल्ट में हो रहा है साहेल बेल्ट ये देखिए एस एच ई एल -E अफ्रीका का फिजिकल मैप ओपन कीजिए आपको दिख जाएगा ऐसे लिखा हुआ देखिए यहां पे साहेल रीजन ये देखिए एस ए एच ऐसे करके लिखा हुआ देखिए साहेल रीजन यू माइट द सब सहारन अफ्रीका बेल्ट वेयर डेजर्टिफिकेशन इज द मेन क्राइसिस आउट है इट्स डिजास्टर डेजर्टिफिकेशन सहारा डेजर्ट बढ़ रहा है और यहाँ की हरियाली खत्म होती दिख रही है इस जगह पर so, का भी ये जो न्यूज uh, आया है मेंशन दिस इन इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चैलेंजेस यस इंडिया और अफ्रीका का संबंध कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रहे थे बीच में रुक गए हैं सुना है आपने रुक गए हैं नहीं न्यूज आ रहा है कुछ कि अच्छा हो रहा है या क्या हो रहा है ठीक है इनफैक्ट इंडिया के रिलेशन अफ्रीका में साउथ अफ्रीकन नेशन से बढ़ रहे हैं ठीक है बट इन साहेल बेल्ट इट हैज जस्ट स्टॉल्ड ऑल बिकॉज ऑफ दीज हैिंग्स इंडिया अफ्रीका रिलेशन चैलेंजेस यू कैन मैंशन मिलिट्री कूप्स इन साहेल बेल्ट दैट्स इट एक्चुअली आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स अगला न्यूज नॉर्थ कोरिया कंटिन्यूइंग विद इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम्स यूनाइटेड नेशंस हैज सेड DPRK देखिए डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया खुद को कहता है नॉर्थ कोरिया ठीक है सब आप 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 बोलेगा सर ये पैसा कहां से आ रहा है नॉर्थ कोरिया के पास नॉर्थ कोरिया के पास इतने सारे पैसे लास्ट ईयर 2021 में कोई मिसाइल लॉन्चेस नहीं और 2022 में एक ही महीने में सेवन मिसाइल लॉन्चेस इंक्लूडिंग द लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च ठीक है अब इसमें नॉर्थ कोरिया के पास पैसे कहां से आ रहे हैं इसी जगह न्यूज में आया है यूएन की रिपोर्ट में आया साइबर क्राइम्स देखिए साइबर क्राइम है मैं बता दू आपको आई वॉज जस्ट मीन आई वेंट ऑन टू साइबर क्राइम जब यह वर्ड यहां देखा मैं तो आई जस्ट सर्च की साइबर नॉर्थ कोरिया के साइबर क्राइम ग्रुप्स है लेरस ग्रुप है बहुत फेमस विच हैज वॉज इन इन वॉल्ड इन वेरी फेमस मनी हीस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड बांग्लादेश नेशनल बैंक साउथ कोरिया बैंक वियतनाम इज बैंक उसने एट्टी एट्टी मिलियन यूएस डॉलर दिए हैं पैसा निकाल लिया है वहां से तो साउथ कोरिया के बैंक वियतनाम का बैंक और बांग्लादेश का तो जो मनी हीस्ट हुआ था मैं बता दू आपको इट वॉज एटी मिलियन यूएस डॉलर ये देखिए the whole bangladesh bank national bank was the money was cleaned from that bank so you can very well imagine this cyber crime is turning out to be a one of the biggest concerning areas because it is funding nuclear programs it might be funding terrorist programs also yes <laughs> so <laughs> सोचिए ये इज दिस प्रॉब्लोमैटिक देखिए इसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम प्रॉब्लमैटिक नहीं है जितना उतना साइबर क्राइम है क्योंकि यही फ्यूएल अप कर रहा है टेररिज्म यही फ्यूल अप कर रहा है दिस न्यूक्लियर प्रोग्राम्स यही फ्यूल अप कर रहा है ड्रग ट्रैफिकिंग ये देखिए यही फ्यूल कर रहा है दिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग यस एंड कहते हैं दैट दर्स्ट द मोस्ट मीन्स डेंजरस साइबर क्रिमिनल्स आर इन नॉर्थ कोरिया दैट्स इट अ क्वेश्चन माइट कम अप इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी में भी सवाल आ सकता है साइबर क्राइम के लिंकेजेस बाकी क्राइम्स के साथ क्या है कि नहीं बताइए मुझे साइबर क्राइम न्यूक्लियर प्रोग्राम्स न्यूक्लियर अटैक्स ड्रग ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये देखिए मनी लॉन्डरिंग डू यू एग्री यस ये ये साइबर क्राइम इज द यू कैन से इट्स द बेस ऑफ ऑल क्राइम इन द प्रेजेंट यस वी कैन एग्री विद दिस चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स क्या ये ये इतना याद रखिएगा बस यही यूएन रिपोर्ट आया है साइबर क्राइम इज साइबर क्राइम के ऊपर नॉर्थ कोरिया का ऊपर मत सोचिए साइबर क्राइम के ऊपर सोचिए ये रिपोर्ट आया है ठीक है नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड हेड ए क्लास न्यूज इंटरनेशनल रिलेशन का रशिया सेवेंटी परसेंट कॉम्बैट रेडी फॉर इन्वेजन यूएस ने कहा ये आपस में ही बोलते जाएंगे एक दूसरे को और कुछ नहीं होगा मीन्स होना भी नहीं चाहिए ऑफकोर्स ठीक है रशिया एज इन प्लेस अबाउट सेवेंटी परसेंट ऑफ इट्स कॉम्बैट पावर इट बिलीव इट वुड नीड फॉर फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इट्स जस्ट लाइक सामने वाले क्या जितना बुराई हो सकता है करना मीडिया में दिस इज द कोल्ड वॉर एमिनेटिंग बिटवीन यूएस एंड रशिया चलिए आगे बढ़ जाए देखिए अफ्रीकन यूनियन के बारे में कुछ लिखा भी हुआ है मैंने पढ़ाया भी था अफ्रीकन यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ 55 कंट्रीज ऑफ द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका सस्पेंड कर दिए गए पांच छह देश सस्पेंड कर दिए गए 2002 में फाउंड किया गया आदि अबाबा में इसके हेडक्वार्टर ये देखिए लेट्स प्रोसीड है टूवर्ड्स जी पेपर थ्री इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट ग्रीन बॉन्ड्स टू हैव लॉन्ग टेन्योर और सेस सेंटर ग्रीन बॉन्ड्स असर्टिंग ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड कुछ सुना हुआ ब्लू बॉन्ड के बारे में भी इस पर शायद आया था में कुछ क्वेश्चन ठीक है सो वट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स ध्यान दीजिएगा बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स आर अ डॉक्यूमेंट बॉन्ड इज अ डॉक्यूमेंट ठीक है डॉक्यूमेंट या uh, yeah, आप कह सकते हैं दिस इश्यूड ऑन बिहाफ ऑन बिहाफ ऑफ द दिस ऑफ द थॉरिटी टेकिंग अपन फॉर अ पर्टिकुलर रीजन काल एग्जाम्पलिट इज अफ बॉन्ड वेन यू गेट अटिफिकेट फ्रॉम द बैंक अबाउट द फिक्स डिपॉजिट इट्स अ बॉन्ड डॉक्यूमेंट यस और वो बैंक ले लेता है आपका पैसा कहता है तीन साल बाद पैसा वापस मिलेगा ठीक है वैसे यहां पे ग्रीन बॉन्ड का मतलब है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड का मतलब है सरकार ले रही है आपका पैसा ठीक है ग्रीन का मतलब है यूजिंग फॉर एनवायरमेंटल कंसर्ट दैट्स इट एनवायरमेंटल कंसर्न का मतलब क्या है ध्यान दीजिएगा उससे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा उससे क्लाइमेट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी बनाया जाएगा आपके पैसे से और आपको पैसा वापस मिलेगा भी लॉन्ग टर्म में देखिए लॉन्ग टर्म है हो आर जस्ट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट ठीक है दे आर इंस्ट्रूमेंट ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके बेसिस पे आप पैसा देते हैं सामने वाले को सामने वाला आपको यह इंस्ट्रूमेंट देता है और आप तीन चार तीन साल दस साल बीस साल के बाद जाकर जितना उस पर लिखा रहता है उसके बाद जाकर पैसा आप ले लेते हैं सो ब्लू बॉन्ड ब्लू बॉन्ड ओशन के लिए ओशन की कंजर्वेशन के लिए लॉन्च किया जाता है ब्लू बॉन्ड में बता दूं आपको शेचल्स वॉज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च द ब्लू बॉन्ड इन टू थाउजेंड सेवेंटीन वर्किंग फॉर द ओशनिक कंजर्वेशन और ग्रीन बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड का कंसेप्ट बहुत कॉमन है कहां पे वेस्टर्न कंट्रीज में एंड इन यूएस एंड इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू इशू इट ये देखिए सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब सरकार इशू करेगी ये देखिए अगर ये दिस कंपनी इशू करती तो कॉर्पोरेट ग्रीन बॉन्ड सिंपल अगर मैं इशू करूंगा मैं मान लीजिए इंडिविजुअल मुझे पैसा दो तो मैं पेड़ लगाऊंगा इंडिविजुअल के लिए रहेगा ये बस दैट्स इट ठीक है तो चलिए आगे बढ़ जाए ग्रीन बॉन्ड एंड ब्लू बॉन्ड पढ़ लीजिएगा जान लीजिएगा ग्रीन बॉन्ड इज वन वे ऑफ वन मेथड ऑफ अचीविंग क्लाइमेट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर दैट्स इट क्योंकि पैसे की कमी हर सरकार के पास है ठीक है तो यही देखिए दोनों न्यूज़ आया है ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का न्यूज़ है वही सेम न्यूज और ये द हिंदू का न्यूज़ है आइए आगे बढ़ते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड्स रिकॉर्ड 4.6 बिलियन डॉलर्स लोन्स टू इंडिया इन 2021 एशियन डेवलपमेंट बैंक हेड क्वार्टर फिलीपाइंस डू यू एग्री स्टूडेंट्स ये देखिए On Sunday said it provided a record $4.6 billion loan to India in 2021, including $1.8 billion towards coronavirus response. Now, this is the example of global governance, global governance and global finance helping in disaster times. Global finance. Helping in disaster times. न और ब्लू बॉन्ड में बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर का रोल होता है बिल्कुल स्टूडेंट्स मेनी कंपनीज टेक इट अप विदेशों में कंपनीज ही लॉन्च करती है अपना उनको दिया गया टारगेट्स यूरोपियन यूनियन ने अभी कार्बन टैक्स लॉन्च किया तुरंत कार्बन टैक्स लॉन्च होते ही क्या आपको लगता है सारी कंपनीज के पास वो नई तकनीक होगी जिससे कि वो कार्बन फ्री का मीन्स कार्बन फ्री अमीशंस नेट जीरो अचीव कर पाएंगी नो no. तो ऐसी जगह पे द कंपनीज ऑल्सो टेक अप फ्रॉम द मार्केट लोन्स फॉर फंडिंग देअर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है तो ये देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक 2021 में इंडिया को रिकॉर्ड लोन दिया है और ये ग्लोबल गवर्नेंस का एग्जांपल है ग्लोबल फाइनेंस का एग्जांपल है इन डिजास्टर टाइम्स एडीबी मनीला फिलिपाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स यू कैन लिंक इट अप इन ग्लोबल गवर्नेंस डिजास्टर रेस्पॉन्स यू कैन लिंक दिस न्यूज ठीक है चलिए आगे बढ़े एनवायरमेंट के न्यूज की तरफ रेयर इंसेक्ट साइटेड इन शेषा चलम ओके तिरुपति फोटोग्राफर है्लैक पर्चर अ ड्रैगन फ्लाई स्पीसीज रीसेंटली ड्रैगन फ्लाई बहुत कॉमन पहले आज थोड़े कम शहरों में गायब हो गए हैं गांव में अभी भी ड्रैगन फ्लाईज हैं यस yes, ये देखिए ड्रैगन फ्लाई में बहुत वराइटीज होती हैं। इट डिपेंड्स उसका कलर देखा होगा आपने ठीक है कभी कभी दिस कलर ऑफ द ड्रैगन फ्लाई ठीक है कलर ऑफ द बॉडी इट इज ब्लू इट इज ब्लैक आपने देखा होगा आई होप यू एग्री विद मी मी स्टूडेंट्स। तो ये देखिए यहाँ पे इसका देखिए ब्लैक कलर है देखिए इसका देखिए ठीक है ब्लैक पर्चर कहते हैं इट्स ए टाइप ऑफ ठीक है टाइप ऑफ ड्रैगन फ्लाई स्पीसीज ये बहुत कॉमन जस्ट uh, दिवाली के पहले बहुत कॉमन होते हैं देखा होगा ठीक है दिवाली के पहले दे देर वेरी कॉमन एंड इन रेनी सीजन दे आर वेरी कॉमन इफ यू लीव योर यू लीव द गेट्स ऑफ योर हाउस ओपन दे विल कम इन साइड एंड फिर इतनी परेशानी होगी बचपन का समय याद है पढ़ने में भी दिक्कत होती थी इनके कारण ठीक है अब बहुत कम हो गए खत्म हो गए अब ये इससे देखा गया ये बहुत कॉमन है इन अफ्रीका बट इन इंडिया इट्स वेरी लेस रिसेंटली इसको आंध्र प्रदेश में देखा गया कहां पे आंध्र कहाषा चलम बायसवेर रिजर्व यस यू आर राइट यू आर राइट इन गेसिंग इट्स तिरुपति तिरुमला देवस्थानम्स सुना है आपने तिरुमला देवस्थानम्स ये देखिए श्री वेंकटेश्वर टेम्पल तिरुपति तिरुमला ये वहीं पे लोकेटेड है इनसाइड दिस बायसवे रिजर्व यस ये देखिए एंड uh, ये ब्लैक पर्चर और ब्लैक ग्राउंड स्कीम अस्पीसीज ऑफ ड्रैगन फ्लाई वॉज साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन शेषाचल हिल रेंजेस रिसेंटली इट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थरोपोडा क्लास इन सेक्टा पता होगा फाइलम्स आर्थरोपोडा ठीक है क्लास इन सेक्टा एंड आई यू सी एन में इसको लीस्ट कंसर्न रखा गया क्योंकि अफ्रीका में बहुत कॉमन है एंड यूरेशिया में ठीक है लेकिन इंडिया में इसका संख्या खत्म यानी एक पाया गया वो भी देखिए यहां पे द इंसेक्ट हैज बीन साइटेड इन फॉरेस्टेड लोकेशन ऑफ कर्नाटका एंड कोस्टल आंध्र प्रदेश बट दिस अपियस टू बी इट्स मेड इन शेषाचल शे चलम रेंजेस एंड लेट सी अबाउट शेषाहेषा चलम बाइस्वे रिजर्व इज लोकेटेड इन ईस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट आपको पता है इट्स फाउंड इन ओडिशा तेलंगाना आंध्र, तमिलनाडु एंड कर्नाटक ये पांच राज्यों में स्प्रेड आउट है ईस्टर्न घाट्स. उसमें सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन ईस्टर्न घाट्स का आंध्र प्रदेश में इस बेल्ट में ये देखिए एंड आंध्र प्रदेश में इसी बेल्ट में दिस द शेषाचलम बायसवे रिजर्व इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट्स यू कंसीडर शेषाचलम हिल्स Sheshachalam ranges, which falls on the southern part of Eastern Ghats, covering an area of, of this much in the districts of Chitur and Kadapa. And Seshachalam Biosphere Reserve is very famous for Shri Venkateshwar National Park and also famous for Hill Temple town of Lord Venkateshwar, that is Tirupati, a major Hindu pilgrimage town is located on the hills. Ye dekhi. And uh, <laughs> दिस इसमें हिल दिस हिल कंटेन्स से पीक्स ये देखिए अंजनाद्री गरुडाद्री नारायणाद्री नीलाद्री शेषाद्री वेंकटाद्री एंड रिश आद्री ये देखिए तो सेवन हिल्स पीक्स सेवन पीक्स आर लोकेटेड इन विच बायर्व इट्स चलम बायस रिजर्व याद रखिएगा इसमें रेड सैंडस बहुत फेमस फ्लैगशिप प्लांट है शेषाचलम का आपको पता होगा लाल चंदन की लकड़ी सो so, ये दिस रेड सैंडलवुड रक्त चंदन या वुड या रेड सॉन्डर्स ये देखिए ईस्टर्न घाट साउथ इंडिया में रेड सैंडलवुड के ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है थ्री इयर्स बैक 2017 इट वाज फाइव इयर्स बैक आई सपोज एंड इस इसपे बहुत फेमस मूवीज भी बनी है इंक्लूडिंग रिसेंटली रिलीज मूवी इन साउथ इंडिया ठीक है सो so, रेड सैंडर्स इज कॉमन इन शेषा चलम एंड ये इसमें और भी कुछ बर्ड्स हैं येल्लो थ्रोटेड बुलबुल देख लीजिएगा ठीक है एंडेमिक है टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड वाइट बैक टू वल्चर ये देख लीजिएगा ये सब पाए जाते हैं शीर्षाचलम में और स्लॉथ बेयर भी है और इंडियन जाइंट स्क्विरल भी है ये सब मैंने लगा दिया है फोना एंड फ्लोरा जो भी प्रेजेंट है यहाँ पे एक बार रीड कर लीजिएगा ठीक है और साथ में आज आपने कुछ समझा क्या ब्लैक पर्चर ये देखिए ड्रैगन फ्लाई स्पीसीज दैट्स इट तो चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स यहां से प्रेनेम्स का इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है ईस्टर्न घाट्स का देख लीजिएगा एंड्रेड एंड स्पेशली इंपॉर्टेंट आउट लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट न्यूज सतकोसिया टाइगर रिजर्व मेकिंग फ्रेश अटेम्प टू बिकम अ अटेबल टाइगर हैबिटेट सतकोसिया कहां पर आई देखते हैं सतकोसिया इज स्प्रेड आउट सात कोस हिंदी का टर्म है मेजरमेंट का टर्म है सात कोस सात कोस तक यहां पे एक बड़ा सा गॉर्ज है गॉर्ज मीन्स अ डीप एरिया जिसको रिवर महानदी ने एरोड किया रिवर महानदी ये देखिए और ये देखिए डिस्ट्रिक्ट अंगुल में लोकेटेड ये देखिए कोसिया टाइगर रिजर्व ये देखिए मैं बना रहा हूं उड़ीसा में ये मैप ये देखिए दिस इज ंगुल डिस्ट्रिक्ट यहीं पे सतकोसिया महानदी ने यहां पे गॉर्ज बनाया है गॉर्ज आई सपोज नो गॉर्ज एंड कैनियन एंड रवाइंस सुना है आपने <laughs> रवाइंस चंबल के बीहड़ चंबल रवाइंस तो से थोड़ा ज्यादा डीप गॉर्ज रिवर महानदी का गॉर्ज और ये सात कोस लंबा है इसलिए सतकोसिया ये देखिए सात कोस लंबा सतकोसिया यही इसका नाम है ठीक है और सतकोसिया इट वॉज एस्टैब्लिश देखिए इट्स अ मैग्निफिसेंट गॉर्ज ओवर द माइटी रिवर महानदी ओडिशा एस्टैब्लिश इन 1976 सेवेंटी सिक्स एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यहाँ पे टाइगर रिजर्व ठीक है इट वॉज डिक्लेयर टाइगर रिजर्व इन टू थाउजेंड सेवन बट सतकोसिया से टाइगर फिनिश ऑफ हो गए दो हजार चौदह पंद्रह की बात है लेकिन ध्यान दीजिए 2014-15 की बात है वापस कहा गया सतकोसिया में टाइगर्स ले जाए ले जाएंगे हम लोग तो टाइगर्स ले जाए गए टा, टाइगर एंड टिगरे वर ब्रॉड टू सतकोसिया फ्रॉम बांधवगढ़ ये देखिए फ्रॉम बांधवगढ़ एंड फ्रॉम कान्हा ये 2019 की बात है ये देखिए इनको ले जाकर 2018 या 19 की बात है ले जाकर वहां रखा गया ये लोग वहां रहेंगे टाइगर पॉपुलेशन वहां बढ़ेगा बट टाइगर वॉज फाउंड डेड आफ्टर दैट एंड टिगरेस जो है अभी न्यूज आया है आज ही के न्यूज में देखिए यह दो महीने से लापता चल रही है टू मंथ से सो ऑफकोर्स स्पॉट नहीं की गई है शी माइट बी डेड समवेयर बांधवगढ़ एंड कान्हा दोनों टाइगर रिजर्व हैं फ्रॉम मध्य प्रदेश टू यू एग्री फ्रॉम मध्य प्रदेश ये देखिए बंधुगढ़ टाइगर रिजर्व एंड कान्हा टाइगर रिजर्व यह देखिए दोनों जगह से ले जाया गया था एक एक टाइगर वहां पे लेकिन वो टाइगर्स रह नहीं पाए वहां पे और एक बड़ी बड़ा रीजन कहा जा रहा है इस अभी जो ये द हिंदू में न्यूज पेपर रिपोर्ट आया है आज दैट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर दिस इज दैट दिस ह्यूमन हैबिटेशन इज फाउंड थ्रू आउट द थ्रू आउट द टाइगर रिजर्व क्या ये चिंता की बात है टर्न ह्यूमन हैबिटेशन क्या ह्यूमन हैबिटेशन अगर थोड़ा रिलोकेट कर दिया जाए बाहर तो क्या थोड़ा टाइगर्स को थोड़ा जगह मिल जाएगा घूमने के लिए यहां क्या हो रहा है ह्यूमन हैबिटेशन गांव है छिटपुट गांव है हर पांच छह किलोमीटर पे इसके कारण क्या हो रहा है टाइगर एंड मैन कंफ्लिक्ट बढ़ गया है ये देखिए टाइगर एंड ह्यूमन टाइगर एंड ह्यूमन कंफ्लिक्ट बढ़ गया है? इसी वजह से इसी वजह से नाउ द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिलोकेट सम विलेजेस इन साइड द इन साइड द सतकोसिया ओनली टू सम अदर प्लेसेस और इसके बाद ठीक है ठीक है उसके बाद स्टूडेंट्स ये आ, शायद टाइगर को जगह मिल जाए इस जगह पे अच्छे से रहने के लिए उसके बाद शिफ्टिंग किया जाए सो टू टाइगर्स अफकोर्स वन टाइगर वॉज डेड द टिगरेस लापता है दो महीने से पता नहीं क्या मीन शायद डेड ही हो गई होगी इसीलिए सतकोसिया हैज बीन इन द न्यूज फॉर द रोंग रीजन सिया पे आ सकते हैं सवाल स्टूडेंट्स इट द क्वेश्चन माइट कम अप इन ये देखिए एंड इज़ पार्ट ऑफ़ रिवर महानदी वेस्टर्न ये सॉरी ईस्टर्न घाट्स का भी पार्ट है गुजरता है इस जगह से देख लीजिएगा क्लियर स्टूडेंट्स आई सपोज दिस टॉपिक इज क्लियर ठीक है तो uh, आइए uh, सतकोसिया के बारे में आपने पढ़ा इसके पहले आपने पढ़ा दिस रेड सैंडर्स एंड शेषाचलम हिल्स में रेयर इंसेक्ट दैट इज़ ब्लैक पर्चर यू आल्सो हर्ड अबाउट एडीबी प्रोवाइडिंग रिकॉर्ड लोन्स टू इंडिया यू आल्सो हर्ड अबाउट ग्रीन बॉन्ड्स एंड ब्लू बॉन्ड्स सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है एंड रुपी डोमिनेटेड रुपी डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है एंड ऑल्सो उसके बाद अफ्रीकन यूनियन दिस वेव ऑफ मिलिट्री कुप्स इन अफ्रीका Uh, उसके पहले नॉर्थ कोरिया एंड साइबर क्राइम एंड माली में इंडियन वर्कर्स प्रॉब्लम सी प्रॉब्लम और उसके पहले नेशनल सिक्योरिटी जुडिशियल स्क्रूटनी आइए एक लास्ट न्यूज देख के चलते हैं हम लोग लास्ट न्यूज uh, ये देखिए वी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट दिस एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 ठीक है तो आइए एक लास्ट न्यूज देखते हैं द लास्ट न्यूज इज इंपॉर्टेंट नेशन मोन्स इट्स नाइटिंगल लता मंगेशकर पासिस अवे एट नाइनटी टू सेंटर अनाउंस टू डे नेशनल मोर्निंग तो एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट द यूनियन गवर्नमेंट लिखा हुआ है अनाउंस टू डे ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज्लेर अ पब्लिक हॉलीडे ऑन मन डे यू कैन सीट हू आइए देखते हैं ये क्या होता है एंड यस विद फुल रेस्पेक्ट अ स्टेट फ्यूनरल वुड बी मीनस स्टेट फ्यूनरल डिक्लेयर लता मंगेशकर वेट फ्यूनरल और क्या है इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट और गवर्नर सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर लोकसभा स्पीकर सीजेआई चीफ मिनिस्टर्स एंड भारत रत्न अवॉर्डीज सेंट्रल गवर्नमेंट हैजॉरिटी टू ऑर्डर अटेट फ्यूनरल फॉर अदर डिग्निटरीज और इंडिविजुअल्स हुव मेड कंट्रीब्यूशन टूवर्स नेशन ध्यान दीजिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है डिक्लेयर करने के लिए किसको ये अवॉर्ड किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन हु द डिग्निटरी इज अ स्टेट फ्यूनरल कैन इंक्लूड अ गन सैल्यूट ड्रेपिंग ऑफ द कॉफिन विद्राइकलर डिपेंड करता है ज द इंडिविजुअल तो गन्न सैल्यूट दिया जाएगा या ड्रेपिंग ऑफ द कॉफिन वे द ट्राई कलर तिरंगे से तिरंगा रहेगा ठीक है या लेइंग द रेथ बाई मोरनर्स ये देखिए तो वेरियस आई मीन स्टेट स्टेट फेनरल में भी डिपेंड्स की हु इज द इंडिविजुअल आउटथेयर द होम मिनिस्ट्री सेंट्स एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन अबाउट द डेथ ऑफ द सेंट्रल डिग्नेटरीज टू स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटरीज टू गवर्नर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, चीफ कमिश्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटीज बाय वायरलेस मैसेज और मोस्ट इमीडिएट टेलीग्राम्स ध्यान दीजिएगा ये होम मिनिस्ट्री का वर्क है फॉर स्टेट फिनरल्स द होम मिनिस्ट्री इश्यूज अ गैजेट नोटिफिकेशन इट्स नीडेड गैजेट नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन यस स्टेट फिनरल्स के लिए होम मिनिस्ट्री जारी करता है एंड अकॉर्डिंग टू द होम मिनिस्ट्री गाइडलाइंस The defense ministry then makes relevant arrangements for the funeral. The defense ministry helps the home ministry in state funeral, according to the state funeral to the individual. Different criteria are followed for state funerals depending on who the dignitary is, a home ministry official who did not wish to be named. For example, in the case of former Mauritius president, Ms. Depend Karta kiffe. पर्सन है उसके उसको कैसा स्टेट फ्यूनरल एंड कितने दिन का नेशनल मॉर्निंग uh, रहेगा उनके लिए सो दिस दिस प्रोटोकॉल्स अब देखिए लिखा हुआ है अब यहां ये यह मैं टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट्स क्योंकि यहां से कुछ टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है ठीक है अ स्टेट फ्यूनरल हैज़ टू बी अटेंडेड बाय ऑल द गैस्टेड ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु मे बी प्रेजेंट इन द स्टेशन सर्विस पर्सनल विल We address as for state functions at the time of state mourning, the national flag is flown at half mast at different locations. Now, this is very important. National flag is flown at half mast. This uh, international ye regulation hai, ki when a, a, a very crucial dignitary or a very significant uh, person uh, uh, dies, in that scenario, in, dies, in that scenario, the flag, the national flags. एंड द इंटरनेशनल फ्लैगेंडिंग होता है हाफ मास्ट का मतलब बात समझ में आ रही है इट्स नॉट द फ्लैग इज नॉट एट द टॉप ऑफ दोल्ड दिस वॉज इंपॉर्टेंट वाई आई टुकअप दिस टॉपिक इसे याद रखिएगा इस चीज को

ठीक है एंड ध्यान द केस प्रोटोकॉल्स इन प्लेस एज फार द कॉफिन विद एन अप्रोप्रिएट साइज अ गन सैल्यूट इन द केस ऑफ सिटिंग प्रेसिडेंट ट्वेंटी वन गन्स आर फायर्ड फॉर अदर डिग्नेटरीज ये लिखा हुआ है ठीक है सो नॉट दैट इंपॉर्टेंट बस जो मैंने पढ़ा है इसके पहले वो इंपॉर्टेंट है

एंड नाइनटी नाइन परसेंट पीपल इट केम अनएक्सपेक्टेड बाउंसर द क्वेश्चन आई होप यू एग्री इसीलिए जहां जहां से रिलेवेंसी दिख रही है यूपीएससी के लिए आपको उठाना है न्यूज और चल निकलना है प्रेल्स क्वालिफाई करके फिर मेन्स क्वालिफाई करके फिर पर्सनैलिटी डिस्कालीफाई करके दैट्स इट टूडेट ओके स्टूडेंट आई होप यू एंजॉय द सेशन तो ये टेलीग्राम चैनल है अन अकेडमी अनुराग सिंह जुड़ जाइएगा इस सेशन के फ्री पीडीएफ एंड फर्दर अपडेट्स के लिए मिलते हैं आधे घंटे में अनअकेडमी आर्टिकुलेट यूपीएससी चैनल पर फॉर एडिटोरियल डिस्कशन एंड आर्टिकल डिस्कशन सो आर्टिकुलेट अनडमी यूपीएससी आर्टिकुलेट चैनल पर मिलते हैं फॉर एडिटोरियल डिस्कशन इन थर्टी मिनट नमस्कार जय हिंद And in the evening at six o'clock approximately six or six thirty we'll be meeting on an academy app. Take care. So I will end the session now, students.